आप सभी को जय मसीह की, प्रभु की महिमा हो। आज हम बात करने वाले हैं कि दाऊद के जीवन में ऐसी क्या बात थी जो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति बना। दाऊद कोई स्वर्ग से उतरा हुआ फरिश्ता नहीं था, वह भी आम व्यक्तियों की तरह ही नॉर्मल था और उसका आम व्यवसाय एक चरवाहे, एक भेड़ बकरियों की चरवाहों के था। वहाँ भेड़ बकरियों का चराया करता था, मगर वह इतना जानता था कि यहोवा परमेश्वर शुद्ध मन वालों की स्तुति पर खींचा चला आता है। इसे श्रेष्ठ गीत में कुछ इस प्रकार से कहा गया है, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। अर्थात परमेश्वर शुद्ध मन वालों की स्तुति की ओर चला आता है। यह बात दाऊद जानता था, वह प्रार्थना करना भी जानता था, मगर वह स्तुति को ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि स्तुति प्रार्थना को निचोड़ कर उसको निकाला गया एक प्रकार का रस है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना के गहराई में जाएंगे तो खुद पे खुद स्तुति अर्थात गीत गाना शुरू कर देंगे। यही काम किया दाऊद ने। उसने परमेश्वर के आराधना के लिए हर प्रकार के जो उस समय साज सामान थे, ढोलक, डफली, नंगाड़े और हर प्रकार के वाद्य यंत्र जितने उस समय थे, उन सब में स्तुति में इतना डूब सा गया कि पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत और प्राचीन उसकी स्तुति में शामिल होते थे। हालेलुया। यह बात सच है कि वह जब स्तुति करता था तो पहरुए, स्वर्गदूत और प्राचीन उसकी स्तुति में शामिल होते थे और वह भविष्यवाणी करता था। इस तरह के मन को देखकर यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि यह मेरा हृदय के अर्थात मन के अनुसार व्यक्ति हैं। हे मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, आप हो सकते हैं इंसानों के मन के मुताबिक हो सकते हो, अपने बच्चों के, अपने परिवार के हो सकता है, किसी न किसी के तो मन के अनुसार हो सकते हो, लेकिन धन्य है ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर के मन के अनुसार हैं। परमेश्वर की इच्छा को प्रसन्न करने वाला स्वयं परमेश्वर इसके विषय में कहता कि यह व्यक्ति मेरे मन के अनुसार मेरे हृदय को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति है करके। हालेलुया। जब जब कोई भी काम को करना होता था, तब तब दाऊद यहोवा से पूछता था, जो परमेश्वर के अनुसार काम होता था वही काम वो करता था। हालेलुया। जब भी परमेश्वर से कोई काम के विषय में पूछना था, कहीं पर युद्ध हो रहा है, कहीं पर जाकर कोई काम करना है, तब तब वह परमेश्वर से पूछता था कि क्या करें, उस काम को करना है कि नहीं करना है, उस काम में आपकी क्या इच्छा है परमेश्वर, आप अगर मना करें तो उस काम को मैं नहीं करूंगा, उस मार्ग में नहीं जाऊंगा, उस खाने को मैं नहीं खाऊंगा। यह दाऊद की प्रार्थना हुआ करती थी। हालेलुया। और क्या आप जानते हैं लूसीफर स्तुति का सम्राट था, वह परमेश्वर के लिए गीत गाया करता था। जिस प्रकार हमने बाकी वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि लूसीफर स्तुति का सम्राट था, स्तुति के लिए चुना गया था और वह जब स्वर्ग से गिराया गया तब परमेश्वर मनुष्य को तराश रहा, मनुष्य को ढूंढ रहा कि कौन गहराई से और भी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर की मनसा के अनुसार स्तुति करे, आराधना करे। आज वही आराधना को परमेश्वर मनुष्य को करते हुए देखता है तो आनंदित होता है। और जब परमेश्वर दाऊद पर आनंदित हुआ, जब परमेश्वर दाऊद को स्तुति और भजन गाते हुए देखा तो अति आनंदित हुआ और दाऊद से कहा, तेरे पीढ़ियों में राजाओं की घटी नहीं होगी। हालेलुया। और एक समय बाद स्वयं प्रभु यहोवा तुम्हारे ही कुल से पैदा होगा। हालेलुया। आप यह जानते ही होंगे कि दाऊद के कुल से स्वयं प्रभु यहोवा यीशु मसीह पैदा हुआ, उसके इसी स्वभाव से, इसी व्यवहार से, और उसी के वंश में दाऊद जो चरवाहा था, हो सकता है उसके शरीर से गोबर और बकरियों की गंध आती रही हो, मगर उसकी भीतरी मनुष्यत्व इतना पवित्र था जो परमेश्वर चाहता था, उसी तरह वह पवित्र बना। और इसलिए वह भविष्यवक्ता भी था, एक दास भी था और राजा भी था। ऐसे व्यक्ति अगर 7 बार भी गिर जाए, मेरे विश्वासी भाइयों, 7 बार भी गिर जाए तो भी यहोवा के वचन के अनुसार से परमेश्वर उसे फिर से खड़ा करके संभाल लेता है।
और गलतियों में ताड़ना तो देता ही देता है, मगर उससे और ज़्यादा सीख देता है। इसलिए जब वहाँ स्त्री के पाप में फंसा, जब दाऊद राजा स्त्री के पाप में फंसा, तो उसके बाद पूरे भजन संहिता की आराधना को लिख डाला, तब उसके उसी गलती को अच्छाई में बदल दिया। अर्थात जिस स्त्री के पति को मरवाया था उसका नाम बेतशेबा थी, और उसी बेतशेबा से सुलेमान उत्पन्न हुआ, और फिर उसी स्त्री के वंश से हमारे सनातन का परमेश्वर, सनातन का राजा यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। इसलिए आप जितना हो सके परमेश्वर से अपने चाल चलन के विषय में पूछें कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मेरा उठना बैठना पिता क्या आपकी इच्छा में है या नहीं है। मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, मैं आपसे सच में कहता हूँ कि परमेश्वर जवाब देता है। जब आप शांति के साथ मनन करें उस वचनों को, जिस वचनों को आप पढ़े हैं, और शांति के साथ अगर आप ध्यान लगाए एकांत में, तो परमेश्वर निश्चय आपको आपकी अंतरात्मा में जवाब देगा ही देगा। तब आपको आपकी बुलाहट का जवाब मिल जाएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या काम करना चाहता है। इसे दाऊद राजा कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं भोर को यहोवा की दुहाई दूंगा, हालेलुया, और शिष्य के समान उसकी बातों और इच्छाओं को जानने का इंतजार करूंगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, हो सकता है आप में से ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते होंगे, परमेश्वर की क्या प्लानिंग है उसको नहीं जानते होंगे, लेकिन आप स्तुति करना शुरू कर दें, आप प्रार्थनाओं के द्वारा स्तुति करना शुरू कर दें, प्रार्थना के बीच से स्तुति करना शुरू कर दें, और स्तुति की गहराई में जब आप पहुँचेंगे, मैं सच में कहता हूँ मेरे विश्वासी भाइयों, तब परमेश्वर की आत्मा आपको आपकी इच्छाओं को, आपके प्लानिंगों को, और अपनी मनसाओं को और अपनी प्लानिंगों को एक करके ले चलना शुरू कर देगा। तब वो कहेगा, तेरी इच्छा जिस कार्य के लिए है, भलाई के लिए है, उसे अब मैं पूरा करने वाला हूँ, और अब इस जगह पर जो प्रार्थनाएँ स्तुति होंगी उस पर मेरी आँख और कान लगे और खुले रहेंगे। इस तरह से परमेश्वर आपको ग्रहण कर लेगा और आप एक सामर्थी और शक्तिशाली मनुष्य बन जाएंगे, और प्रभु आपको आशीष देगा, और आपके संतान को और आपके जितने भी पीढ़ियों के जन हैं उन सब पर आपकी आशीष फलेंगी, क्योंकि आपने वो कार्य किया जो लूसीफर करने से इनकार कर दिया। हालेलुया। मेरे विश्वासी भाइयों, निश्चय आप इस वचनों को सुने होंगे, समझे होंगे, तो निश्चय आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल और हमारे वीडियो से बने रहे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको निश्चय सलामत रखे, और आप प्रभु के वचनों में और गहराइयों में और भेदों में और दर्शनों में, भविष्यवाणियों में बढ़ते रहे, क्योंकि प्रभु आप सबको ले चलना चाहता है अपने सुंदर और मजबूत और पवित्र योजना में। हालेलुया। आमीन। आमीन।